तो यार आज की ये वीडियो काफी तगड़ी होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू किसी भी DSLR की तरह ब्लरी बैकग्राउंड वाला वीडियो किस तरह से शूट कर सकते हो। तो यार वीडियो तो पूरा देखना बनता है। और यार रिसेंटली ही हमने अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। तो यार आपके इतना ज्यादा सपोर्ट के लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू। और हम ऐसे ही फिल्म मेकिंग कंटेंट्स बनाते रहेंगे। तो यार करते हैं इस वीडियो को शुरू एंड लेट गेट स्टार्टेड। हे एवरीवन, माय नेम इज रुपेन एंड वेलकम टू फिल्मकॉम। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने स्मार्टफोन के थ्रू किसी भी DSLR की तरह ब्लरी बैकग्राउंड वाला वीडियो किस तरह से शूट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको जाना है अपने कैमरा वाले ऐप पे, और हमें ये ध्यान रखते हैं कि शूटिंग करते समय हम अपने ऑब्जेक्ट से 2 मीटर के डिस्टेंस पे रहें। तो इसके बाद जस्ट आपको अपना पोर्ट्रेट मोड ऑन कर लेना है। तो इससे आपको अपने बैकग्राउंड में ब्लर दिखने लगेगा। तो अब हम इसे शूट कैसे करें? तो इसके लिए जस्ट आपको अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देना है। अगर आपके मोबाइल में इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर ना हो तो आप इसे गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हो। मैं ऐसे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस आपको पोर्ट्रेट मोड में अपने वीडियो को इसी तरह रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद आपका वीडियो कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर आपको जाना है किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर। आप इसे PC में भी कर सकते हो और मोबाइल में भी कर सकते हो। बस जाना है आपको अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर और इसे कर देना है क्रॉप, यानी कि हम इस वीडियो के अननेसेसरी पार्ट को रिमूव कर देंगे और आपको आउटपुट मिल जाएगा कुछ इस तरह। और जिसका बैकग्राउंड काफी ब्लर होगा DSLR की तरह। तो इस तरह आप अपने स्मार्टफोन में ब्लरी बैकग्राउंड अचीव कर सकते हो। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही फिल्म मेकिंग कंटेंट्स बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी क्रिएटिव।